हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल जगत दादा। दोस्तों, आज हमारी ये दूसरी मीटिंग है। आपने पहली बार ही आज से 2 महीने पहले वीडियो देखा होगा। हमारे व्यूअर सूरज अधिकारी से हमने बहुत सारी मुलाकात, वो जब इंडिया से आए थे कैसे आए थे, तो उसी का दूसरा पड़ाव मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी ये कुवैत में काम कर रहे हैं लास्ट 3 महीने से, और आपने इनका प्रीवियस पार्ट ऑन देखा होगा कि कैसे वीज़ा आया, टिकट आया और आखिरकार कुवैत में पहुँचे और मुझसे मिले थे। इसका पार्ट 2 आज मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। आप वीडियो को पूरी देखना। यूट्यूब चैनल जगत ऑफिशियल पर नए हो, आप यदि जगत ऑफिशियल पर जॉब से रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब जानना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सूरज, बताओ, आप कुवैत में आपको 2-3 महीने हो गए, कैसा लग रहा आपको कुवैत? कुवैत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, और यहाँ का मौसम कितना है? जैसे गर्मी, विशेषकर गर्मी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो आज का टेम्परेचर है वो है 50+। और कैसा लगा? आज हम घूमने गए थे कुवैत का बिगेस्ट मॉल ग्रैंड ओमनी मॉल, कैसा है उसके बारे में कुछ बताओ, कैसा है? बस का सफ़र यहाँ कनेक्टर होता नहीं होता है, कैसा लगा सफ़र? बस में कनेक्टर नहीं होता, ड्राइवर ही टिकट काटता है। सूरज, कैसा लग रहा है बस का सफ़र? बहुत बढ़िया लग रहा है। आवाज़ थोड़ा तेज बोला है उसी में। बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बड़ा। और आज हम कहाँ कहाँ घूमे? आज हम ग्रैंड मॉल घूमे, ग्रैंड ओमनी मॉल कुवैत घूमे। कैसा लगा आपको सफ़र? पूरे 6 घंटे आपने यहाँ बिताए। बहुत बढ़िया लगा मेरे को, आज घूम के मजा आ गया, पैर थक गए। अच्छा, और कैसा लगा, मतलब गर्मी, बाहर की गर्मी, अंदर की गर्मी कैसी थी? बाहर तो काफ़ी गर्मी है लेकिन अंदर उतनी नहीं है, अंदर हर जगह बिल्कुल चिल्ड है एकदम। अच्छा, हाँ अच्छा। बाकी तो मॉल बहुत बढ़िया, उसके अंदर काफ़ी सारे 1000+ रेस्टोरेंट होंगे। अच्छा, और बाकी 5-स्टार होटल भी है। तो 5-स्टार होटल है, तो उन्होंने बाकी बहुत बढ़िया मॉल था, और बहुत काफ़ी बड़ा मॉल है। बहुत बड़ा मॉल है, पूरा हम 6 घंटे घूमे आराम से। 6 घंटे घूमे इस मॉल की मैंने वीडियो बना रखी है, आप लिंक के नीचे चेक कर सकते हो। बिगेस्ट मॉल इन कुवैत, पूरी जानकारी दे रखी है मॉल के बारे में, कितने एम्प्लॉय काम करते हैं यहाँ, और कितने 5-स्टार होटल है, कितनी तगड़ी यहाँ सिक्योरिटी है। और इसमें बेसिकली जो 5-स्टार ही नहीं, लग्जरी जो प्रॉपर्टी है, लग्जरी जो कंपनियाँ हैं, फैशन से लेकर ज्वेलरी से लेकर हर चीज़, हर डिपार्टमेंट जो है, मैं जो भी कंपनी होती है, बिगेस्ट वो कंपनी इस मॉल के अंदर है। आप फोटो में देखे होंगे कि हम कहाँ कहाँ घूमे थे। तो कैसा लगा आपको सफ़र, जो 6 घंटे लगे, आपको महसूस हुआ कि आप 6 घंटे में कंप्लीट कर देंगे इस मॉल को? नहीं, ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, बस 6 घंटे लगे, काफ़ी टाइम लग गया, 6 घंटे लग गए। अच्छा, और फिर भी वैसे एक तरीके से दिन में तो पता लग रहा था कहाँ है कहाँ जा रहे, लेकिन ये शाम के टाइम जैसी रात हुई तो भूल भूल गया टाइप का, रास्ता सेम है। पूरी चारों तरफ एक जैसा है, समझ नहीं आ रहा किधर जाए, एग्जिट कराते हुए वीडियो स्टार्ट है। हेलो हेलो, देखा देखो इधर पानी भी आ गया, हम इधर आ गए आगे। अभी इसका इस तरफ दिखाएंगे आपको, और अभी हम ग्रैंड ओमनी मॉल जा रहे हैं, और ये हमारे साथ हैं सूरज। बैक साइड, बैक साइड, हाँ, इसका यह घुमा दें, इनका ये काले लोगों का कन्फ्यूज हो जाता है। अभी हम देखो वीडियो भी बना सकते हैं, उसमें डर लगता है जो किसी लड़की की फोटो नहीं आ गई, फिर कहीं भी कंप्लेंट कर दे ना बहन, जो हमारा सब छोड़ देंगे। स्टारबक्स शरा मैंने कम क्या लिखा है, अचार रेस्टोरेंट है, ठीक है, ये थोड़ा बिजी चल रहा है गुप्ता की दुकान। यहाँ पर फोटो खींचना था, आ जाओ एक दो। और ये बताओ, आप कुवैत में जो गर्मी है, कितनी गर्मी है, इंडिया से ज़्यादा है या कुछ ज़्यादा ही है? इंडिया से कुछ ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। काफ़ी लोगों के यूट्यूब में मैसेज आते हैं कि कपड़े क्या लाए हैं यहाँ के लिए, तो एक टी शर्ट ही काफ़ी है ना? टी शर्ट काफ़ी है, हाफ निक्कर हो गए, बहुत सारे बहुत सारे हैं जो अभी व्यूअर आ रहे हैं इंडिया से, मैसेज कर रहे हैं उनका वीज़ा नहीं मिल रहा है, उनके लिए क्या संदेश है? क्योंकि कुवैत में जो वीज़ा है अभी ऑनलाइन ज़्यादा मिल रहा है, और जो वीज़ा है काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं यूट्यूब चैनल पे कि हमारा वीज़ा भी नहीं आया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। तो आप अपना एक्सपीरियंस करेंगे, आपको कितना टाइम लगा था वीज़ा आने में? मेरे को कुछ 6 महीने हो गए। 6 महीने लगा था आपको इंटरव्यू के बाद, 6 महीने आपको, तो आप बता सकते हैं कि व्यूअर को कितना टाइम लगता है यहाँ? किसी का 3 महीने में, किसी का 4 महीने, किसी का 5, किसी का 6, किसी का 7 लग जाते हैं।
और बताओ, जो अभी नए व्यूअर आ रहे हैं उनके लिए कुवैत में क्या कहना चाहता हूँ, कैसा देश है, मतलब साफ सुथरा है, बढ़िया रूल्स कैसे हैं? कुवैत बढ़िया है, आओ, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ की जैसे भाषा है, आप बस में गए, आपको कहीं एड्रेस पूछना है, तो कैसे लोग मिलते हैं आपको? हिंदी बोल पाते हैं या इंग्लिश बोल पाते हैं या अरबी में ही बोलते हैं? नहीं, हिंदी ड्राइवर रहते हैं और अरेबिक वाले जो रहते हैं वो, उनको इंग्लिश भी आती है, मतलब समझता है, इशारा करते ना काफ़ी है। अच्छा, इशारों से समझ जाते हैं। हाँ, इंग्लिश साथी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी को भी इंग्लिश से कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि वहाँ की भाषा क्या बोली जाती है, क्योंकि अभी तो समझ नहीं आएगी। बहुत सारे जैसे आपको एड्रेस पूछना है कि आपको यहाँ जाना है, अभी आप कहाँ पर हो, इसके लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या कहना चाहोगे, बहुत सारे लोगों के जो मैसेज आ रहे हैं कि अभी इंडिया में इंटरव्यू चल रहे हैं, जैसे आपकी कंपनी के बहुत सारे अभी इंटरव्यू चल ही रहे हैं, हमारी कंपनी के खुद अभी इंटरव्यू चल रहे हैं ऑफलाइन, काफ़ी कंपनी वहाँ जाके काफ़ी हायर कर रहे हैं, और जो वीज़ा का दिक्कत है वो तो पूरे देश में ही है, क्योंकि वीज़ा बहुत स्लो है कुवैत का, प्लस यहाँ के लिए मेडिकल, दोनों मेडिकल प्लस PCC बहुत चीज़ें हैं। तो क्या कहना चाहोगे जो भी नए लड़के आ रहे हैं उसके बारे में? क्या कहना है, तो गवर्नमेंट पे जब वीज़ा वीज़ा देगी तभी आ सकते। सूरज, आप बताओ आज का जो कुवैत का रेट है, आपको मालूम है आज हाईएस्ट रेट है कुवैत का है, और एक केडी की कीमत क्या है इंडियन करेंसी में? 253 पॉइंट कुछ पैसे चल रही है, वैसे 253 मिल रहे हैं आज का जो करेंसी का रेट है एक्सचेंज में। आप ये बताओ कुवैत में क्या महंगा है क्या सस्ता है, विशेषकर जैसे इंडिया में है आजकल हर टीवी शो से लेकर हर यूट्यूबर बोल रहा है कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, आप कुवैत में पेट्रोल का प्राइस बताओ। कुवैत में पेट्रोल काफ़ी सस्ता है, बहुत सस्ता है, मतलब क्या 5 केडी में 55 लीटर। हाँ, तो दोस्तों आप 5 केडी को 253 से गुणा करके जितना भी आएगा 5 केडी, मतलब वही 1200 समथिंग इंडिया में, 1250 में इंडिया में 55 लीटर भर जाता है, 8000 में से पूरी टंकी भरती है, यहाँ केवल 1200 में ही पूरी टंकी भर जाती है। हाँ, और पानी यहाँ का महंगा है, पेट्रोल सस्ता है। अच्छी बात है, क्या महंगा, जैसे यहाँ काफ़ी चीज़ें एक रुपये में होती है, जैसे आपको दूध लेना है, जूस लेना है, चाय लेनी, कॉफ़ी, छोटी छोटी दुकानों में, रेस्टोरेंट में, वहाँ आपको हर चीज़ 1 रुपये में मिलता है, इवन सैंडविच भी 1 रुपये में, 2 रुपये में ऐसे मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया खुपुस बोले तो रोटी, यहाँ पर खुपुस रोटी होती है, काफ़ी चीज़ें आपको 1 रुपये में मिल जाती है, तो 1 रुपये की जो यहाँ 100 फिंच है उसके आप प्राइस भी बहुत अच्छा है, काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाती है आपको यहाँ। और आप उसके बारे में बताओ, जैसे यहाँ सैलरी मिलती है उसमें आप कैसे भेजते हो, उसके बारे में बताओ, जैसे आपको सैलरी मिलती है, अकाउंट में आपको सैलरी मिलती है, आप कैसे भेजते हो? मैं एक्सचेंज करवा लेता हूँ, एक्सचेंज अपने अकाउंट में, अपने अकाउंट से गूगल पे से इधर उधर ट्रांसफ़र मार देता हूँ। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे उनका पैसा जब कैश मिलता है, पहले जब तक उनका अकाउंट नहीं खुलेगा तब तक तो कैसे मिलेगा, और उसके बाद वो कार्ड में मिलेगा, उसको आप विड्रॉ करके और यहाँ के जो बैंक है उसको भेज करके अपने अकाउंट में भेज सकते हो, फिर आप कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, और यहाँ के बारे में बताओ, जो यहाँ का बोलते हैं यहाँ पेड़ पौधे होते नहीं होते, खजूर के पेड़ और क्या क्या होता है इधर? खजूर के पेड़ होते हैं लेकिन मैंने देखे नहीं है। अच्छा, बाकी सिटी साइड तो है, सिटी साइड काफ़ी है, बाकी आगे साइड अपने चौराहे पर तो चौराहे वराहे पे काफ़ी है, लेकिन घर के लोकेशन पे इधर पेड़ उतने नहीं है, गिनती के पेड़। यहाँ सबसे ज़्यादा आपको क्या दिख रहा है अभी यहाँ बाहर बैठे हम, यहाँ आदमी आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, यहाँ पर कार अच्छी ज़्यादा दिख रही है, क्या ज़्यादा दिख रही है आपको? सबसे ज़्यादा यहाँ पर कार दिख रही है, एक से एक बढ़ के एक से एक कार मिलेगी, आदमी तो दिख ही नहीं रहे, आदमी दिखेंगे नहीं, कार ज़्यादा, और पैदल चलने वाले आदमी दिखे इधर कोई? पैदल बहुत कम, ज़्यादातर कार से ही मारते हैं बंदे। अच्छा, क्योंकि यहाँ कारें इतनी ज़्यादा है, आदमी बहुत कम है, यहाँ की पॉपुलेशन है टोटल 40 लाख, जिसमें बाहर के लोग हैं जो वही ज़्यादा है, यहाँ की कुवैती लोग कम है, बाहर कंट्री के लोग ज़्यादा है। जो अभी नए लड़के आ रहे हैं उनके बारे में बताओ यार, जैसे मतलब स्टार्टिंग जॉब किचन में करते हैं, तो उनको जो फ्रेशर लोग हैं उन्हें क्या कहना चाहोगे, आपका इंटरव्यू होता है उसमें क्या पूछा जाता है बेसिकली? फ्रेशर लोग हैं तो HM करा होगा कोई, तो आ सकता है या नहीं आ सकता है? नहीं आ सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस लेके ही आओगे तो बढ़िया सैलरी में आओगे। हाँ, यदि नॉलेज हो उनको, 6 महीना 1 साल कुछ एक्सपीरियंस लेके आओगे तो बढ़िया सैलरी में आओगे,
यहाँ पर आने के बाद पता नहीं है कि कंपनी कैसी है, वो बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी, या हेल्पर में 2 साल जब तक का वीजा है उतने करवाएगी। और मेन है जो ऑफर लेटर में आपको मिला जाता है वो तो पूरा ही मिलता है किसी भी कंपनी में ना? हाँ, ऑफर लेटर में जो लिखा था वो पूरा ही मिलता है। और काफ़ी लोगों का जो मैसेज आ रहे हैं कि वीजे के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया, काफ़ी लोगों का जो मैसेज आ रहा था कि लास्ट वीक मैंने एक वीडियो डाली थी, वो स्ट्रॉन्ग आया था, बालू बालू चारों तरफ बालू, धूल ही धूल आ गई थी, उसके बारे में बताओ। हाँ, कितनी धूल थी? काफ़ी डरावना सीन था। हाँ, वैसे काफ़ी वो हो गया था, जैसे इंडिया में कोहरा लगता है, कोहरा लगता है एक तरफ से बढ़ते हुए आंधी की तरह, पूरा एकदम ढक गया था, पूरा कुवैत ही ढक गया था, कुवैत ढक गया था। तो दोस्तों ये जैसे इंडिया में बारिश में एक्सीडेंट भी काफ़ी हुए थे। अच्छा, और ये सुनाओ यार, कुवैत में बारिश आती नहीं थी क्योंकि इंडिया में अभी कहीं कहीं बहुत सारे बारिश आ रही है, इवन दिल्ली में भी बहुत बारिश आई थी एक 2 दिन पहले। जब से मैं आया हूँ अभी तक 2-2.5 महीने से यहाँ तो बारिश अभी तक मैंने देखी नहीं है कोई। अच्छा। बस दो बार हुई है बारिश, वही बूंदाबांदी। हाँ, बूंदाबांदी हुई है। अच्छा, फिर बंद हो गई है। बाकी जैसे अब मैं कुरेन में काम करता था, कुरेन में बारिश नहीं हुई, और महाबुल्ला में पहले रहता था तो वहाँ पर बारिश हो रही थी बहुत तेज। अच्छा, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा वहाँ बारिश बंद होगी, कुरेन में चालू होगी। अच्छा, यही बारिश का टाइम है अभी तो, गर्मी हो रही है और बारिश होने का तो कोई नाम ही नहीं है इधर तो। हाँ, यहाँ बहुत गर्मी है, उमस बहुत है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ रूम के बारे में बताओ, जैसे रूम यहाँ पंखा लगा रहता है, एसी लगी रहती है, बिना एसी कैसा रहता है रूम यहाँ? मैंने अंडरग्राउंड फिटिंग रहती है एसी की। अच्छा, अभी तक मैंने पंखा तो देखा नहीं कहीं। अच्छा, हमारे जहाँ महाबुल्ला में विराम है तो वहाँ भी अंडरग्राउंड फिटिंग एसी था हर रूमों में, और इधर भी हूँ रिगाई में तो इधर भी अंडरग्राउंड फिटिंग एसी है, सब चीज़ें बढ़िया। और लाइट के बारे में बताओ, लाइट आती जाती है या परमानेंट? नहीं, परमानेंट आती रहती है। अच्छा, लाइट कभी नहीं रहती। और बिल हिल तो नहीं देना पड़ता आपको, जैसे एसी चलाते हो, आयरन करते हो, बहुत सारे कपड़े धोते हैं लॉन्ड्री में? कुछ भी नहीं, ये फ्री है, सब कंपनी का है, ये आपको कंपनी देती है। ये आपको लॉन्ड्री अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट यदि फ्री लिखा है तो फ्री ही मिलेगा, यदि नहीं लिखा है तो कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि अकोमोडेशन दे रही है नहीं दे रही है, तो ये आपके सबके ऑफर लेटर में लिखा रहता है क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि इसमें हमको सैलरी ऑफर इतना दिया बट अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है, तो इनको पहले ही पता होना चाहिए अकोमोडेशन नहीं लिखा तो नहीं मिलेगा। और बताओ अगर जैसे ऑफर लेटर में काफ़ी कंडीशन लिखाए रहते हैं, किसी की छुट्टी नहीं होती है तो बाद में बोलते हैं हमारी तो छुट्टी नहीं मिली, उनको पहले कंफर्म करना चाहिए ना कंपनी में छुट्टी नहीं है, हम ऑलरेडी साइन कर रखे हैं, क्योंकि कंफर्म करना चाहिए पहले। हाँ, अभी बहुत सारे फिर बोलते हैं एजेंट ने ऐसा बोला तैसा बोला। हाँ, वैसे कई कई एजेंट होते हैं जो कि पहले भेज दिया उसके बाद फिर आप यहाँ से बता रहे हो ये प्रॉब्लम है, तो वो मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे ना फ़ोन उठाएंगे, क्योंकि उनका काम हो जाता है। तो बहुत से एजेंट होते हैं। हाँ, हमारे कंपनी में भी कोई आया है एजेंट के थ्रू, तो वो मैसेज वैसेज करता है लेकिन उसका रिप्लाई नहीं देती है एजेंट, तो प्रॉब्लम हो जाती है। पहले कन्फर्म करके ऊपर लेटर देख के आना चाहिए। तो दोस्तों एक छोटी सी मुलाकात थी, और आपको वीडियो कैसे लगे आप प्लीज़ करके नीचे अपना मैसेज लिखें। आप यदि विदेश आ रहे हैं तो ज़रूर इसका तीसरा पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा आपके साथ, और ऐसी जॉब से रिलेटेड, विदेश में जॉब से रिलेटेड काफ़ी सवाल जवाब आपने सुने, और इसका पार्ट 3 बहुत जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल पर आएगा। चैनल में ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।